एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को पूरे देश में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को सदमे में डाल दिया या फिर कहें कि पूरे देश को सन्न करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हथरस भगदड़ कांड की, जिसमें से जान गंवाने वालों की संख्या 121 हो गई है, 28 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उम्मीद है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा, सत्संग के बाद भगदड़ मचने के बाद एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, मगर सवाल यह है कि हस्तंग तो देश में कई सारे होते हैं, यहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे कि इतने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। हथरस हादसे के बाद मंत्री डीजीपी से लेकर सारे अफसर मौके पर तुरंत वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अब तक जो पहली नजर में सामने आया है उनके मुताबिक दावा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही हजारों भीड़ को जुटने दे दी गई। दावा यह भी है कि गंभीर हालत से निपटने के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम तक नहीं किया गया था। सत्संग खत्म होते ही भाग दौड़ शुरू हो गई, एक के ऊपर एक सब दब कर मरने लगे। घंटों तक लोग एक दूसरे पर ऊपर दबे रहे, आगे वाले गिरते गए, पीछे लोग गिरते गए। मंगलवार दोपहर 1:30 पर यह घटना घटी है। एक चश्मदीद कहते हैं कि प्रभु जी उठकर चले गए, वहाँ कीचड़ भी था, लोग दलदल में फंस गए, एक दूसरे पर गिर गए, भीड़ भी थी, नीचे गिरा हुआ फिर उठ नहीं पाया, उसमें बच्चे भी दब गए और भीड़ ऊपर से गुजर गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। सदमे में डालने वाली इस घटना ने भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नारायण साकार हरि फरार है। चश्मदीदों की माने तो फुलरा मैदान में खुले में सत्संग आयोजित किया गया था। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लोग आए हुए थे। जैसे ही कथावाचक ने कथा खत्म की, भक्त आगे बढ़कर बाबा जी के पास इकट्ठा होकर उनके आशीर्वाद और उनके पैरों की धूल लेने के लिए आगे बढ़े। यहाँ लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना भी है, शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग गिरे, उसके बाद जो गिरे वह वापस नहीं उठ पाए और भीड़ ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना पर अफसर एक्शन मोड में आए और जाँच के निर्देश दिए गए, तत्काल FIR दर्ज की गई। इस जाँच में पता चला है कि भीड़ ज्यादा थी और कंट्रोल के लिए खास इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंध में हामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, मगर सवाल उठता है कि भविष्य के लिए इस घटना से क्या संदेश लिया जाए। नारायण सकार हरि के सत्संग में हुई घटना से बड़े धार्मिक समारोह में आयोजन कमेटी और सुरक्षा उपायों के बारे में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अब तक यह सामने आया है कि भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से काबू नहीं किया जा सका, इसी के चलते हालात बद से बदतर हो गए और आखिर में बिगड़ते चले गए। अब सिस्टम को कड़े नियमों और निगरानी पर जोर देने की जरूरत है। तो ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।